बड़ी खबर आपको दिखा देना और बता देना चाहती हूँ, अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उद्धव ठाकरे अपने कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं। उद्धव कैबिनेट में थोड़ी देर में चर्चा शुरू हो जाएगी। उद्धव ठाकरे भले ही ये कह रहे हैं कि कई विधायक मेरे संपर्क में हैं, लेकिन क्या शिंदे शक्ति के आगे सरेंडर है? क्यों ये बैठक बुलाई जा रही है? कैबिनेट की बैठक के माने क्या है? क्योंकि कहा यह गया कल कि हम सरकार के कामकाज में किसी तरह का कोई दखल नहीं देना चाहते हैं, और इसीलिए मंत्रालय जो था वो बागी विधायकों से छीन करके मौजूद जो उनके साथ विधायक है उनको दे दिया गया। लेकिन ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रौनक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रौनक, सबसे पहले ये बैठक कब शुरू होने वाली है? देखिए रूबीका, कुछ देर के बाद ये जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है वो शुरू हो सकती है। मुख्य तौर पर मैं आपको पहले जानकारी देती हूँ कि ये बैठक जो है आज दोपहर 2:30 बजे होने वाली थी, लेकिन इसका टाइम जो है एन वक्त पर बदलकर 5 बजे कर दिया गया है। जो निश्चित तौर पर जो चर्चा अधिकारियों में और राजनीतिक हलकों में हमें सुनने मिल रही है, मुख्य तौर पर क्या ये उद्धव ठाकरे की आखिरी कैबिनेट की बैठक है, क्या इस बैठक में वो बड़ा ऐलान करने वाले, क्योंकि इसके संकेत जो है इस बात को लेकर मिलने लगे कि कुछ देर पहले उनके कार्यालय से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया बागी विधायकों को संबोधित करते हुए। ये प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें उद्धव ठाकरे बेहद ही भावनात्मक तरीके से जो गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के बागी विधायक हैं उनसे अपील करते हुए दिख रहे हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा है, आपके परिवार के लोगों से कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया, हमारे घर के लोगों ने आपके लोगों से जो बात की उसकी भी जानकारी उठा रहे हैं। आपके जहन में जो सवाल, मेरे जहन में जो सवाल, दर्शकों के जहन में है वही एबीपी न्यूज उठा रहा है। सवाल नंबर एक यही इस वक्त कैबिनेट को लेकर आता है कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले हैं? क्यों इस कैबिनेट को 5 बजे शिफ्ट कर दिया गया? दूसरा सवाल ये कि क्या फ्लोर टेस्ट से पहले ही सरेंडर कर देंगे उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ने बागियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? चौथा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या उद्धव ने बागियों से जो अपील की है उसमें कहीं देरी तो नहीं हो गई? और चलिए देरी से अपील कर भी दी तो क्या बागी विधायक ये बात सुनने वाले हैं? इन सवालों के इर्द गिर्द अभी हुंकार होगी। मैं बहस शुरू करूं उससे पहले आपको बड़ी खबर दे देना चाहती हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए जैसे जैसे सुई का कांटा आगे बढ़ रहा है, घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे महाराष्ट्र के उस तमाम खबरों के सस्पेंस पर से पर्दा उठ रहा है। थोड़ी ही देर में उद्धव कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उद्धव कैबिनेट की बैठक में क्या होने वाला है ये बड़ा सवाल है। क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे? क्या वो कोई और बड़ी बात कहने वाले हैं? क्या उन्होंने शिंदे शक्ति के आगे सरेंडर कर दिया है? जो आज इमोशनल अपील उन्होंने की उसमें कहीं देरी तो नहीं हो गई है? 5 बजे ये बैठक बुलाई, 5:10 इस वक्त हो रहे हैं। अभी मैं आपको दो सीन दिखाने वाली हूं और ये आंकड़ों के लिहाज से पहला सीन आपके सामने है। इस वक्त महाराष्ट्र में जो कुल सीटें हैं वो 287 है, बहुमत के लिए मैजिकल आंकड़ा 144 है, शिवसेना के पास 16 है, बागी 39 है, बीजेपी के पास 106 है, एनसीपी के पास 53 है, कांग्रेस 44 और अन्य के खाते में 7 है और दूसरी तरफ अन्य आप 22 देख रहे हैं। तो सरकार के साथ कुल मिलाकर कितने आ गए? 120 और बागियों के साथ बीजेपी, बागी और अन्य मिलाकर हो गए 167। इस केस में भी अल्पमत में साफ तौर पर उद्धव सरकार या महाविकास अघाड़ी आपको नजर आ रही है। 144 से बहुत दूर 120 पर आकर कांटा अटक रहा है। अब मैं दूसरा सीन आपको बताती हूं जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि भाई ये तो अयोग्य करार दिए जाएंगे, फ्लोर टेस्ट में व्हिप जारी होगा और जब ये व्हिप नहीं मानेंगे तो इनको अयोग्य करार दिया जाएगा, डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ऐसे में एक और तस्वीर बनती है, घटकर उन 39 को हटाकर कुल संख्या हो जाती है 248, बहुमत के लिए तब आपको चाहिए होंगे 125। आप उस केस में भी शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य को मिला दे तो सरकार के पास 120 है, लेकिन बीजेपी और अन्य जो पिछले वाले सीन में भी थे इन 39 को हटा देने के बाद 128, यानी बहुमत से 3 सीटें ज्यादा बीजेपी प्लस अन्य के खाते में अभी आ रही है। लेकिन दोनों ही सिनेरियो में एक चीज एकदम क्लियर है और वो ये है
के अल्पमत में महाविकास आघाड़ी दिख रही है। पूर्णिया सिटी जानिए पूर्णिया सिटी। हाँ कोडिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोडिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।